तो यार देखो, फ्री फायर में इस टाइम पे ज्यादातर प्लेयर सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं, या तो वो सेटिंग्स में जाके वापस से रेड डैमेज वाली सेटिंग ढूंढ रहे हैं, या फिर बरमूडा में जाके पुराने पीक को याद करके रो रहे हैं। लेकिन 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 आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस अपडेट के बाद हर एक सेटिंग को फ्री फायर वालों ने पटक पटक के उछाल उछाल के मारा है और काफी सारी सेटिंग्स को एड और चेंज भी करा है। जैसे कि रेड डैमेज को तो एकदम गेम से उड़ा ही दिया है भाई। अब तो जब हम हेडशॉट भी मार रहे हैं तब भी बॉडी शॉट वाली फील आ रही है, और जो फायर करने पे पटाखे फूट रहे हैं वो अलग। लेकिन इस वीडियो में आपको फ्री फायर की सभी प्रो सेटिंग्स पता चलने वाली हैं, जो कि गेम के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी, और वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। और वो सेटिंग्स डायरेक्ट आपके ड्रैग हेडशॉट और गेम प्ले को इस अपडेट के बाद इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लाइक है मैं 50K लाइक्स, तो फटाफट चाहो अगर आप तो एक दिन में कंप्लीट करा सकते हो, और अगर नहीं चाहोगे तो भाई एक जन्म भी लग जाएगा, ठीक है? तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है ना, वो है बेसिक में, जिसका नाम है सेटिंग सिंक। तो इसको अगर आप अपलोड पे क्लिक कर दोगे और फिर जाके अगर अपनी कस्टम एचयूडी को एकदम तहस नहस कर दोगे, मतलब सभी की सभी बटन्स की लोकेशन एक के ऊपर एक कर दोगे या फिर बेकार कर दोगे, तो भी सिर्फ एक क्लिक में आप अपनी कस्टम एचयूडी को वापस ला सकते हो। सिर्फ आपको इधर आके ये जो अपलोड के बगल में डाउनलोड वाला बटन है ना, इस पे क्लिक कर देना है, आपकी कस्टम एचयूडी एज इट इज वापस आ जाएगी। और रुको, सिर्फ कस्टम एचयूडी ही नहीं, अगर कोई बंदा आपका फोन लेके ये जो सेटिंग्स है किसी को ऑन कर देगा, किसी को ऑफ कर देगा, या फिर बाकी कोई भी सेटिंग छेड़ देगा, तो वो भी सिर्फ वापस आ जाएगी सिर्फ एक क्लिक में। सिर्फ आपको इसी डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपकी सारी की सारी सेटिंग्स वापस आ जाएगी। तो ये चीज कितने लोगों को नहीं पता थी, कमेंट में मुझे जरूर बताना। सेकंड जो मेन सेटिंग है वो आती है आपकी एम प्रिसीजन, जो कि भाई फ्री फायर की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग है। तो अगर आप इसे फुल कंट्रोल पे रखोगे तो हर एक गन से आपका फुल कंट्रोल हट जाएगा, मतलब भाई कंट्रोल में नहीं आने वाली गन आपके। मतलब फुल कंट्रोल पे रख के जब भी आप किसी पे फायर करोगे तो उस पे एम अपने आप चुपकेगा ही नहीं, जहाँ पे गोली फायर कर रहोगे वहीं जाएगी, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। तो भाई फुल कंट्रोल तो गलती से भी मत करना, और अगर अपने आप को प्रो मानते हो तो एक बार करके देख लेना। और अगर इसे प्रिसाइज ऑन स्कोप पे कर दोगे तो बिना स्कोप को ओपन करे तो आपका एम चुपकेगा, लेकिन वो जो हम बी आर रैंक में करते हैं ना, स्कोप को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके फायर बटन पे दबाते हैं, तो वो चीज नहीं होगी। मतलब स्कोप को ओपन करके आपका एम नहीं चुपकेगा, लेकिन अगर इसे डिफॉल्ट पे रखोगे तो बिना स्कोप को ओपन करे भी आपका एम एनिमी पे जाएगा, और स्कोप को ओपन करने के बाद भी जाएगा। तो इसीलिए भाई इसे हमेशा डिफॉल्ट पे ही रखना। उसके बाद यहाँ पे दो सेटिंग्स है मेन, पहले का नाम है क्विक वेपन स्विच और दूसरे का नाम है क्विक रिलोड। तो क्विक वेपन स्विच से क्या होता है कि इसको ऑन करने पे हमारी कस्टम एचयूडी में एक बटन ऐड हो जाता है, ठीक है, जो कि भाई मेनली थ्री फिंगर प्लेयर यूज करते हैं वन टैप मारने के बाद गन को पीछे करने के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका यही काम होता है। तो इसको चाहो तो आप अपने गेम प्ले को स्टाइलिश करने के लिए ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और ये जो क्विक रिलोड वाला बटन है, इसको अगर ऑन कर दोगे तो इतना बड़ा सा एक बटन ऐड हो जाएगा आपकी कस्टम एचयूडी में, जिस पे क्लिक करके रिलोड होता है। तो हमें भाई इस बटन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिंपली गन पे क्लिक करके भी रिलोड कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे ऑफ करना। नेक्स्ट जो सेटिंग है उसका नाम है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर। तो इसको आप ना हमेशा ऑफ ही रखना, क्योंकि अगर इसे ऑन कर दोगे और जब भी अपनी कोई भी गन को रिलोड करोगे तो आपका जो क्रॉस हेयर होता है ना, उसके ऊपर एक एनिमेशन बन के आएगी रिलोड वाली, जिसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। भाई हमने जब रिलोड की अपनी गन तो हमें पता है ना कि हम रिलोड कर रहे हैं, तो भाई उधर वो एनिमेशन देख के क्या करोगे, तो इसीलिए उसको ऑफ करना। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो बी आर रैंक प्लेयर्स के लिए है, और बहुत सारे लोगों को इस सेटिंग के बारे में पक्का नहीं पता होगा, लेकिन पता होना चाहिए। तो इस सेटिंग का नाम है बी आर स्कोर कार्ड। तो इसको अगर आप ऑन करोगे ना तो इधर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, टैप और होल्ड। तो इसको जैसे मैं ना अभी टैप पे कर देता हूँ, तो अब जब मैं गेम में जाऊंगा और यहाँ पे जो मेरे सभी के सभी टीममेट्स के नाम लिखे हुए हैं, इसके ऊपर जब मैं एक बार टैप करूंगा तो मेरे को अपने सभी के सभी टीममेट्स का पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी लूट है, मतलब किसके पास कितनी ग्लू वॉल है, कितने ग्रेनेड है, कितनी मेडिकेट है, सब पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि वो बंदा कौन कौन सी गन चला रहा है, ठीक है, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आपका दोस्त आपसे भाई झूठ नहीं बोल पाएगा कि मेरे पास भाई ग्लू वॉल नहीं है, मैं दे नहीं सकता, ठीक है, ये बहाने नहीं चलेंगे अब। और लूट की बात चली रही है तो आपके साथ ऐसा तो होता ही होगा कि कहीं पे कोई लूट दिख रही है और आपका टीममेट दोनों के दोनों एक साथ भागते हुए जा रहे हो, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ पहुंचे उस लोकेशन पे, लेकिन फिर भी आपका टीममेट पहले उस चीज को उठा लेता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इधर आपको सेटिंग्स में आके ऑटो पिकअप में आ जाना है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सबको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद ध्यान से भाई उधर ही ना सबसे नीचे एंड में ना आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा ऑटो पिकअप स्पीड, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट ना डिफॉल्ट पे रहता है, तो
उसे जाके भाई ध्यान से उसे फास्ट पे क्लिक कर देना और फिर देखना भाई कमाल, हर एक आइटम आपके बैग के अंदर इतनी जल्दी भरेगा जैसे भाई दो तीन बंदे मिलके एक साथ आपके बैग में वो सामान डाल रहे हैं, बिल्कुल खच 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 की आवाज आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो आपके भाई फोन को लैग होने से बचाएगी, जिससे कि आप हेडशॉट और मूवमेंट को ज्यादा एक्यूरेट तरीके से कर पाओगे। तो इधर आपको आना है डिस्प्ले में और इधर ये जो हाई एफपीएस वाला ऑप्शन है ना, इसको हमेशा आपको नॉर्मल पे रखना है, क्योंकि तुम खुद देखो अगर मैं इसे हाई पे क्लिक करूंगा तो फ्री फायर वाले सामने से वार्निंग देंगे कि भाई तू रहन दे, तू मत कर भाई इसे हाई पे, तेरा फोन खराब हो जाएगा, तुझे फोन का जीरा लेना पड़ जाएगा। मतलब देखो इधर साफ साफ लिखा आ रहा है कि सिलेक्टिंग हायर एफपीएस मे कॉज द डिवाइस टू एक्सपीरियंस एक्सेसिव हीट और लैगिंग मोर इजली। ठीक है, मतलब हायर एफपीएस कर दोगे तो आपका फोन हीट होगा और लैग होगा, तो अगर आपका फोन अच्छा नहीं है तो इसे सिंपली नॉर्मल पे ही रखना। उसके बाद ऊपर ये जो ग्राफिक सेटिंग है ना, उसको भी आप लोग स्टैंडर्ड पे रखा करो, ठीक है, क्योंकि अगर इसे अल्ट्रा प्रो मैक्स करोगे तो ग्राफिक तो अल्ट्रा मैक्स हो जाएंगे लेकिन फिर वही है कि फोन लैग होगा और फिर वही दिक्कतें आएंगी, हीट होगा, ये होगा, वो होगा, तो इसीलिए भाई इसे भी स्टैंडर्ड पे रखा करो। उसी पेज के सबसे नीचे आपको एक गनशॉट अलर्ट नाम का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसको भी आप लोग जरूर ऑन कर लेना। इसको ऑन करने से अगर आपका एनिमी किसी भी डायरेक्शन से फायर कर रहा होगा तो वो आपको स्क्रीन पे एक बुलेट के सिंबल से दिख जाएगा, ठीक है, बुलेट का सिंबल बनाएगा कि वो किस डायरेक्शन से फायर कर रहा है, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और रिकॉर्डिंग में आके भी भाई इधर इन सबको ऑफ कर लेना, क्योंकि ये सब ना बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, ठीक है, जिससे कि फ्री फायर वाले बिना बात के बैकग्राउंड में आपका हर एक मैच का रिप्ले सेव करते रहते हैं, जो कि बस स्टोरेज बढ़ाता है, नेट खत्म करता है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फोन की परफॉर्मेंस पे फर्क डालता है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के सारे ऑप्शन बंद कर लेना अभी जाके। और अगर आप एफएफ मैक्स खेलते हो तो इधर ये जो एफएफ मैक्स की सेटिंग है ना, इस पे आना और यहाँ पे सभी के सभी लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, क्योंकि देखो इसमें वही सब है कि लॉबी स्टाइल की एनिमेशन, ठीक है, और मतलब यही सब चीजें एनिमेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ग्राफिक से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन सबको आप लोग ऑन रखोगे तो भाई फालतू की एनिमेशन ऐड होंगी गेम में, ठीक है, जिसकी हमें नहीं है भाई जरूरत, और फिर वही चीज है कि फोन लैग होगा, हीट प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है, समझ गया। और अगर आपको मेरी गिल्ड या फ्रेंड लिस्ट में आना है ना, तो इंस्टा पे आके मुझे मैसेज कर दो, शुरुआत के दो दिन में जो भी फॉलो करके मैसेज करेगा उसके चांसेस भाई ज्यादा होंगे गिल्ड में आने के, ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ इंस्टा पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय बाय।